मुझे यहाँ पे अभी एडमिट किया गया है, शायद पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे क्या करेंगे, देखते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में, मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज की जो मॉर्निंग है उसमें कुछ भी गुड नहीं है, लेकिन वही बात होती है, हमें खुद अपने दिन को अच्छा बनाना होता है। तो आई होप सो आज का दिन बहुत ही अच्छा हो। आज संडे है, गौतम भी आज घर पे ही हैं, तो मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ शेयर करना चाहूँगी। कल मतलब ऐसा कुछ हुआ, मेरा आज तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब सबसे बेकार एक्सपीरियंस। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, मतलब लिटरली बहुत, मतलब ऐसे, मतलब आपको बता रही हूँ तो भी ऐसे मेरे को मतलब कप कपी सी हो रही है। तो क्या हुआ, साढ़े दिन में, कल की बात है, आफ्टरनून में 12:30 के आसपास की बात है। तो हम लोग सब नीचे बैठे हुए थे, मम्मी थे, भाभी सा थे, सामने वाले आंटी जी थे, उनकी बेटी हैं जो कुसुम भाई सा, वो थे, मैं थी, परी थी। तो हम लोग धूप में बैठे हुए थे, सब बात वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद मेरे पापा का फ़ोन आया, तो मैं पापा से बात करने के लिए थोड़े से साइड में चली गई, हमारे घर के बिल्कुल थोड़े से साइड में, मतलब आगे रास्ता बंद है, खेत है कोई खाली, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। तो मैं गाड़ी के पास चली गई कि पापा से साइड में होकर बात कर लेती हूँ। तो मैंने कुर्ता पहना हुआ था, प्लाजो था, और सर पे मेरे दुपट्टा था। तो मुझे कुछ आवाज़ सी आई मेरे सर के ऊपर, कोई मक्खी वगैरह की, तो मैंने अपने हाथ से उड़ाने की कोशिश की। जैसे ही हाथ लगाया, मैंने इतनी सारी मधुमक्खियाँ जो मोह की माखी होती हैं वो थी, तो एकदम से जैसे ही वो उड़ी ना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपना दुपट्टा ऐसे फेंक दिया, तो जैसे दुपट्टा फेंका, वो सारी, मतलब जितनी भी थी, बहुत सारी थी मधुमक्खियाँ, वो सारी आके मेरे बालों में लग गई। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी ना, मम्मी 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 मम्मी, वहीं बैठे थे, बच्चे भी वहीं थे, ओजस भी था, परी भी थी। तो मम्मी ने बोला इधर मत आ, बच्चे हैं। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाइट कर रही थी मेरे पूरे सर में, मतलब पूरे बालों में चिपट गई थी वो। फिर मतलब मैं, मम्मी बोले वहीं पे रहे। फिर जल्दी से भाभी सा और भाई सा ने थोड़ा सा दिमाग चलाया, बच्चों को जल्दी से ले गए, आंटी जी के घर के साइड चले गए, क्योंकि मैं थी हमारे घर के साइड, तो मक्खियों का सारा मतलब मेरी साइड ही अट्रैक्शन था उस टाइम। तो बच्चों को जल्दी से अंदर ले गए। फिर मम्मी ने सोचा कि जल्दी से अंदर से कम्बल ले आते हैं हमारे घर से, वो मेरे ऊपर डाल देंगे। मम्मी जैसे जाने लगी हमारे घर के अंदर, क्योंकि वो सारी मक्खियों का ध्यान ही मेरे ऊपर था, तो वो फिर मम्मी की साइड चलेगी। मम्मी जैसे घर के, मतलब मैं पहले घर में एंटर हुई हमारे में मेन गेट में, मेरे पीछे पीछे मम्मी हुई थी। जैसे मम्मी एंटर हुई, मम्मी के भी, मतलब काफ़ी सारी मक्खियाँ मम्मी के भी लग गई। फिर मम्मी की यहाँ पे लिप पे वाइट कर लिया और यहाँ पे वाइट कर लिया। तो मम्मी के पास शॉल था खुद का, तो मम्मी ने उससे कवर किया। तो मेरी और मम्मी की आवाज़ सुनकर पापा जी भी बाहर आ गए। पापा जी सो रहे थे अंदर, और पापा जी बनियान में और लोवर में ही थे। पापा जी को अंदाज़ा नहीं था कि मक्खियाँ हैं, इसलिए हम चिल्ला रहे थे। पापा जी ऐसे ही बाहर आ गए, तो वो और मक्खियाँ पापा जी के लग गई, पापा जी के पूरी कमर में, शोल्डर्स में, नेक में और सर में, बहुत जगह वाइट कर लिया पापा जी के भी। फिर मैं वहाँ पे सीढ़ियाँ हमारे जो घर की, मतलब मेरे ऊपर आने की, मैं वहाँ पे बैठ गई। पापा जी बोले बेटा हिल मत। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मम्मी कुछ करो, पापा जी कुछ करो, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से बाइट कर रही थी मेरे सर में। तो पापा जी और मम्मी के भी, मतलब वो खा ही रही थी, तो पापा मम्मी क्या करते उसमें, और वैसे भी मेरे पास आते तो और ज़्यादा खाती, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा लगी हुई थी। तो मम्मी पापा सामने से आंटी जी भी चिल्ला रहे, कोमल तू हिल मत हिल मत। लेकिन यार उस टाइम आप कैसे नहीं हिलोगे जब आपको पता है कोई चीज़ आपको खा रही है। बट फिर भी मैंने मतलब बहुत अपने आप को वो, मतलब संभाला उस टाइम, और मैं शांति से एक जगह अपने बालों को, सारों को आगे कर लिया मैंने। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरा फेस कवर हो गया, तो मेरे फेस पे एक भी मक्खी ने बाइट नहीं किया। तो फिर थोड़ी देर बाद जब कम हो गई, वो काफ़ी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, कोई 3-4 ही उड़ रही थी मेरे आसपास। तो मेरे जिठानी जो भाभी सा हैं, वो आए आंटी जी के घर से कम्बल ओढ़ के, मेरे लिए भी कम्बल लेके आए, मुझे उड़ाया कम्बल से, और मैं फिर भी बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। फिर भाभी सर ने मुझे चुप कराया, और जो सर में मेरे 3-4 और थी, अब वो एक बार बाइट कर लेती हैं उसके बाद तो, मतलब वैसे भी वो क्या ही खाएंगे, उनका डंक टूट जाता है। भाभी सर ने वो निकाली, फिर मेरे को ऐसे शांत किया थोड़ा, मतलब मेरे ऐसे पूरे शरीर में कम से कम 1-1.5 घंटे तक वाइब्रेशन हो रही थी। तो जब मैं पापा से बात कर रही थी, तो फ़ोन तो कट हुआ नहीं था, हम लोग सब चिल्ला रहे थे, तो पापा को समझ भी नहीं आया। तो पापा ने गौतम को फ़ोन कर दिया कि आप ना जल्दी घर जाओ, ये ऑफिस में थे,
कि आप जल्दी से घर जाओ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो परी के साथ कुछ हुआ है या घर में किसी और के साथ, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और कोमल भी चिल्ला रही है। तो ये और इनके फ्रेंड हैं एक और ऑफिस में रघुवीर जी, ये लोग फटाफट आए स्कूटी लेके। तो आते ही फिर सबसे पहले इंजेक्शन लगवाया इन्होंने हम पापा जी के, मेरे और मम्मी के, शायद एविल का इंजेक्शन आता है वो लगवाया। फिर उसके बाद पापा जी थोड़ा लेटे आराम, मम्मी को दो जगह बैठ किया था, और फिर कुछ काली मिर्च वगैरह घोल के लाए थे आंटी जी, वो चटाई हमको। फिर ना मेरे सर में काफ़ी सारे डंक रह गए थे, तो गौतम ने बैठ के वो निकाले एक 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 एक, मतलब उस टाइम तक भी मेरी इतनी कपकपी हो रखी थी बहुत भयंकर, मम्मी पापा जी के डंक निकाल रही थी, पापा जी की भी बहुत ज़्यादा जगह सर में खा गया था। फिर सब बोले कि आप हॉस्पिटल दिखा लाओ, कि इसके जो डंक होते हैं मधुमक्खी के, उनमें मतलब जहर होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये मतलब बोले चलेगी क्या, मैंने बोला नहीं अब इंजेक्शन लग गया तो नहीं जाते हैं। तो 5 मिनट बाद एकदम से मैं बेहोश हो गई। फिर इन्होंने और भाई सौर ने पता नहीं क्या किया, मुझे होश में लाए वो, फिर ये बोले नहीं चल हॉस्पिटल। फिर हम हॉस्पिटल जाने लगे तो गाड़ी में मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं ये सोच रही थी मेरे सर में इतनी जगह खा गई हैं मधुमक्खियाँ, अब तो मैं पागल हो जाऊँगी, और मेरी बच्ची का क्या होगा, परी का, मतलब इतने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे मन में। फिर मतलब पापा जी भी साथ में बैठे थे, पापा जी बोले बेटा रो मत, ठीक हो जाएगा ऐसे। उस टाइम तक भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे सर में, ना सब कुछ घूम रहा था इतना भयंकर सब। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक वगैरह किया, फिर उन्होंने एक एक इंजेक्शन और दिया, लेकिन वो इंजेक्शन बहुत अच्छा था, मतलब मुझे नाम डेक्सोना करके ऐसे कुछ था, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उसको लगाए उसके 10 मिनट बाद ही मतलब बहुत हद तक दर्द कम हो गया था, झंझनाहट भी नहीं हो रही थी और खुजली भी नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला आप घर जाइए, घर जाके रेस्ट कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। तब जाके थोड़ी सी तसल्ली हुई, फिर शाम तक बिल्कुल सब सही हो गया था। लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरी ये वाली जो आँख है, ये यहाँ से स्वेल हो रही है, क्योंकि मेरे एक ना मक्खी ने यहाँ पे इस जगह बाइट किया था, तो यहाँ पे तो स्वेलिंग नहीं, पता नहीं यहाँ आँख पे, मतलब शायद दीदी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी दीदी आए थे देखने और छोटे भाई सब भी आए थे, तो बोले उसी की स्वेलिंग हो रही है, तो शायद एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। और इस आँख पे भी थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि पूरे सर में यहाँ पे भी खाया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और पीछे की साइड ज़्यादा खाया, क्योंकि मैंने सारे बाल आगे कर लिए थे, ऐसे 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 मैं बालों से उड़ा रही थी उनको, तो बाल सारे आगे कर लिए थे, तो वाइट पीछे ज़्यादा किया हुआ है हर जगह। लेकिन अभी फील सही हो रहा है, लेकिन पापा जी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ है, कल से बीपी कम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थोड़े मतलब कमज़ोर भी हैं शरीर से और बीमारियाँ भी हैं ही, मतलब तो बीपी भी बढ़ा हुआ है उनके, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पापा जी को बहुत ज़्यादा खा गई हैं, मेरे तो खाई हैं सर में ही, उनके तो बॉडी में भी बहुत ज़्यादा खा गई, क्योंकि वो बनियान में ही थे। तो अभी पापा जी की भी दवाइयाँ चल रही हैं, मम्मी और मैं थोड़े स्टेबल हैं अभी, सही हैं। तो ऐसा हुआ कल, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन हॉस्पिटल में थोड़ी सी की थी मैंने, और तो मैंने अभी बनाई है चाय, आज के दिन अच्छी शुरुआत से स्टार्ट करती हैं, और जीण माता की कृपा रही कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मैंने सोचा कल का इतना बेकार दिन गया है, तो क्यों ना आज एक कुछ मीठा या चॉकलेटी सा बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा खा के मूड सही हो जाएगा। केक हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो केक के ऊपर मैंने चॉकलेट का, मतलब जो कोको पाउडर आता है उससे, और मिल्क से और बटर से चॉकलेट सिरप बनाया था, तो वो मैंने केक के ऊपर मतलब डाल दिया था अच्छे से उसको मेल्ट करके। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल्स आते हैं जो केक वाले, वो डाल के डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी तो और कुछ अवेलेबल है नहीं अभी मेरे पास, ये स्प्रिंकल्स ही हैं, तो ये डाल लेते हैं। और शायद मेरे पास किटकैट भी रखी हुई है, तो देखते हैं किटकैट लगा देंगे इसके ऊपर दो, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ये केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, मस्त लग रहा है ना। तो अगर आप भी अगर जानना चाहते हैं मैंने केक कैसे बनाया, आप इसकी पूरी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता। कमेंट ज़्यादा आते हैं इस रेसिपी के लिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ इस केक की रेसिपी शेयर करूँगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये केक कैसे बनाया। और एक और बात, ज़रूरी नहीं अगर आपके घर माइक्रोवेव या ओवन है तभी ये केक बने, ये केक कुकर में भी बन सकता है, जैसे मैंने इसे बनाया है। जो इडली का कुकर आता है जिसमें हम लोग ढोकला वगैरह भी बना लेते हैं, उससे भी बन जाएगा, और अपना नॉर्मल जो घर में हम चावल या दाल बनाने वाला कुकर होता है उससे भी बना सकते हैं। तो अब इस
चलिए तो अब इस केक को रख देते हैं फ्रिज में, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा। मैं तो सोचा आमलेट बनवाओगे इसलिए ब्रेड लाए हो। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं सी स्कीम कॉफी पीने। सी स्कीम जा रहे हैं हम। ये बोले चल तुझे कॉफी पिला के लाता हूँ, क्योंकि मैं इनसे गुस्सा हो रखी थी। एक संडे मिलता है उसमें पता नहीं और कामों में बिजी रहते हैं। स्टेचू जाएंगे कॉफी पी के। तो बोले चल तुझे कॉफी पिला के लाते हैं। हाँ बेटा को घुमा के आएंगे। चलो 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 चलो। चलेंगे वापस मूर्ति वाले के चले। चलो रोमन वाला तो है यार, उधर से चलते चलते हैं मूर्ति के, जल्दी पहुंच जाते हैं। ये मेरा स्पेशल मैसूर मसाला डोसा आ गया, मुंह में आ रहा है पानी। ये तो अपनी एग करी खा के मेरा, ये मेरे को ही खाना है। ये परी और ये बेटे बोली भी तो छो गया था, उठ गया ये तो, उठ गया क्या बेटू बेटू? अब हम जा रहे हैं मोती डूंगरी, मोती डूंगरी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की हम खाएंगे भेलपूरी, फेमस वाले की। आ गई हमारी यम्मी यम्मी भेलपूरी, देख के इतनी मस्त लग रही है यार, ये तो खाने का मन कर रहा है। टेस्ट में ही मस्त रहती है। स्टार्ट करते हैं भेलपूरी। हाँ मेरी मम्मी को कुछ बोलोगे नहीं, ऐसे बोल रही है परिया। हाँ हाँ ये जो बोल रहा मैं पीता, अब आइसक्रीम ले ले। तो ये लेने गए सामने, आपको दिख रहा होगा पान। इन्होंने बोला आज पान ट्राई करते हैं, मोहन पान वाले से पान बनवा रहे हैं। आ गए घर वापस, परी के पापा उसको चेंज करा रहे और वो चिल्ला रही है। अरे क्यों रुला रहे हो बेचारी बच्ची को? तो आ जाए मज़ा, हम पान लेके आए, अब हम पान खाएंगे, फिर मैंने जो दिन में केक बनाया था वो टेस्ट करेंगे और फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो फाइनली कल जितना बुरा दिन गया था, आज का दिन अच्छा गया उसके कंपैरिजन में काफ़ी। क्या हुआ जूजू जूजू? अरे आ रही है मम्मा परी की, और रे आ रही हूँ लाइट्स बंद करी हूँ। पान खाने का पान पान पान, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मैंने कभी पान खाया नहीं इससे पहले। मतलब मन तो करता है काफ़ी टाइम, बट मैं हमेशा मतलब अवॉइड कर देती हूँ। तो आज खा के देखते हैं पहली बार कैसा लगता है। बोलो एक निकलेंगे दो निकलेंगे? पता नहीं, मैंने भी डायरेक्ट ही दे दिया था एक निकलेंगे दो निकलेंगे, तो उसने बताया नहीं क्या? ओहो हो दो दो कपल पान दिए क्या उसने? लगते सही है, कपल्स के लिए कपल्स के दो पान। अच्छी पैकिंग है, ठंडा ठंडा फ्रिज से निकालो। तू आएगी पहले? पूरा मुंह में ले जाऊं? और क्या, इतना बड़ा तो मुंह ही नहीं है मेरा। खा जा खा खा जा खा जा। चबाऊं कर देखो भाई, पूरा मुंह अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम खाया। गाइस गुड मॉर्निंग, ये आँख तो बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी मतलब खाया है मधुमक्खी ने इसलिए हो रहा है ये, मेरे को पता नहीं चला था। अब यहाँ पे इस जगह ना अब दर्द हो रहा है और यहाँ गर्दन में भी हो रहा है यहाँ पे पूरी। उस टाइम तो फील नहीं हुआ, उस टाइम तो सर में ही दर्द हो रहा था ज़्यादा, और हाथ पे भी खाया है यहाँ पे रेड रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब फील हो रहा है क्योंकि मैंने रात को दवाई नहीं ली थी, क्योंकि कल जो एविल की गोली ली थी मैंने, एक ये पीछे वाला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है अब इस टाइम तो।
अब वैसे मैंने ब्रेकफास्ट करके दवाई ले ली, कल मैंने 3:30 बजे ली थी इसलिए मैंने रात को नहीं ली, और रात को नहीं ली उसका नतीजा ये है कि वापस से स्वेल हो गया है सब कुछ। अब मैंने दवाई ले ली, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।